इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और इस वक्त की अगली खबर लखनऊ से हमें मिल रही है। नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। दिसंबर में चार चरणों में नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। जनवरी के पहले सप्ताह में मतगणना की भी तैयारियां हैं। शहर निकाय निदेशालय कर रहा है कार्रवाई। परिसीमन और वार्ड आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है। वोटर लिस्ट में नाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 नवम्बर तक चलेगा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम। तो लखनऊ से ये खबर जहां पर जो है चुनाव को लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं जोर पकड़ती नजर आ रही। नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। दिसंबर में चार चरणों में निकाय चुनाव की तैयारी है। जनवरी के पहले सप्ताह में मतगणना की भी तैयारी है और शहरी निकाय निदेशालय इस मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रहा है। परिसीमन और वार्ड आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है। वोटर लिस्ट में नाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 नवंबर तक वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्यक्रम भी चलेगा। तो लखनऊ से खबर। परिसीमन और वार्ड आरक्षण की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। शहरी निकाय जो है इसको लेकर चुनाव होना है। चार चरणों में निकाय चुनाव की तैयारी है। नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि चार चरणों में चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में मतगणना की भी तैयारी है। तो जैसे ही चुनाव होंगे उसके जो है तत्काल बाद या फिर कुछ से बाद जो है मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। हालांकि लेकिन अभी तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। चार चरणों की बात सामने आई कि चार चरणों में दिसंबर में ये पूरे चुनाव होने और इसकी तैयारियां लगभग लगभग जो है पूरी है।